Morning students, we in the story the third and final continent हमने अभी तक ये स्टडी किया है कि जो नरेटर हैं वो अमेरिका में उन्हें जॉब मिलती है, वहाँ जाकर वो रहने लग जाते हैं, फिर वो इंडिया आते हैं, उनकी मैरिज हो जाती है और वो वहाँ पर एक हाउस ढूंढते हैं मिसेस क्रॉफ्ट के यहाँ, वो रहने लग जाते हैं और वेट करने लगते हैं कि जब तक उनकी वाइफ वहाँ तक नहीं वहाँ पर नहीं आती तब तक वो उस हाउस में रहते हैं। और अब अपनी वाइफ माला के बारे में डिस्क्रिप्शन देते हैं कि वो उनका कलर जो डार्क कॉम्प्लेक्शन था, उनकी मैरिज नहीं हो रही थी और वो 27 इयर्स की हो चुकी थी, तो उनके पेरेंट्स चाहते थे कि जल्दी से उनकी शादी हो जाए ताकि उन्हें स्पिनिस्टरहुड से बचाया जा सके। नाउ वी स्टार्ट आवर स्टोरी फर्दर, अब हम हमारी स्टोरी आगे बढ़ाते हैं। फॉर फाइव नाइट्स वी शेयर्ड अ बेड, हमने फाइव नाइट्स के लिए जब उनकी मैरिज हुई और जो वहाँ इंडिया में जब वो रह रहे थे तो फाइव नाइट्स के लिए वो उन्होंने अपना बेड शेयर किया। ईच ऑफ दोज नाइट्स आफ्टर अप्लाइंग कोल्ड क्रीम एंड ब्रेडिंग हर हेयर, और हर नाइट को वो अपने बॉडी पे कोल्ड क्रीम अप्लाई करती थी और उनके हेयर को कॉम्ब करती थी। विच शी टाइड अप एट द एंड विथ द ब्लैक कॉटन स्ट्रिंग, जिसे वो जो टाइड अप कर देती थी, बांध देती थी विथ द ब्लैक कॉटन स्ट्रिंग, एक कॉटन की ब्लैक कलर की स्ट्रिंग से उसे बांध देती थी। शी टर्न फ्रॉम मी एंड वेप्ट, और वो मुझसे छुप कर या मेरी तरफ टर्न होकर रोने लगती थी। शी मिस्ड हर पेरेंट्स ऑल दो आई वुड बी लिविंग द कंट्री इन अ फ्यू डेज, कस्टम dictated that she was now a part of my household and for the next 6 weeks she was to live with my brother and his wife, cooking, cleaning, serving tea and sweets to the guest। और यहाँ पे ये जो नरेटर कह रहे हैं कि वो उनके पेरेंट्स को बहुत मिस करती थी, ऑल दो जो नरेटर थे वो सिक्स वीक्स में इस कंट्री को छोड़ने वाले थे, लेकिन जो हमारा इंडियन कस्टम है, कल्चर है कहते हैं, वो यह शो करता है कि जब मैरिज हो जाती है तो जो वाइफ होती है उनके हाउस होल्ड का पार्ट होती है और नेक्स्ट 6 के लिए उनकी जो वाइफ थी उनको उनके ब्रदर और उनकी वाइफ के साथ रहना पड़ेगा, कुकिंग क्लीनिंग करते हुए, सर्विंग टी करते हुए और स्वीट्स गेस्ट को स्वीट्स सर्व करते हुए। आई डिड नथिंग टू कंसोल हर, और ऑथर ने अभी तक जो वो उनकी वाइफ थी उनको कंसोल करने के लिए कुछ भी नहीं कहा था, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स को मिस कर रही थी, फिर भी उन्हें कंसोल करने के लिए कुछ भी नहीं किया। I lay on my own side of the bed, और जो ऑथर हैं वो अपनी बेड के साइड में सो जाते थे। रीडिंग my गाइड बुक by flashlight and anticipating my journey, flashlight में जो फ़ोन होता है, फ़ोन जो भी टॉर्च हुआ या उनके साथ जो भी अवेलेबल सोर्सेस थे, फ्लैशलाइट के साथ वो गाइड बुक को पढ़ते थे, क्योंकि उस टाइम मोबाइल्स इतने प्रचलन में नहीं थे, यूज़ में नहीं थे, तो या हम कह सकते थे ही नहीं, तो फ्लैशलाइट, टॉर्च की फ्लैशलाइट में या और कोई फ्लैशलाइट में वो अपनी गाइड बुक को पढ़ते थे और अपनी जर्नी को इमेजिन करते थे, एंटिसिपेट करते थे। एट टाइम्स आई थॉट ऑफ द टाइनी रूम ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल विच हैड बिलोंग टू माई मदर, और कुछ कभी कभी उन्हें ऐसा फील होता था कि वो अपने जो पास उनके जो रूम के पास जो छोटा सा टाइनी सा रूम है जो कि दूसरी वॉल की दूसरी साइड है जो कि उनकी मदर का है, वहाँ पर जाकर मैं सो जाऊँ। नाउ द रूम वॉज प्रैक्टिकली एम्प्टी, द वुडन पैलेट ऑन विच शी वुड वंस स्लेप्ट वॉज पाइल्ड विद ट्रंक्स एंड ओल्ड बेडिंग, और वो रूम जो था प्रैक्टिकली एम्प्टी हो चुका था और उसका जो वुडन पैलेट होता है जो तख्ता है या जो कह सकते हैं कि वुडन का बना हुआ प्लेन सा जो बेड होता है, वुडन जो बेड होता है उसको कहते हैं तख्ते टाइप जो होता है, और उस पे जिस पे शी वुड वंस स्लेप्ट वाज पाइल्ड, और उस पे उनकी जो मदर थी वो सोती थी, उस पे एक ट्रंक रखा हुआ है और ओल्ड बेडिंग रखी हुई है। ओल्ड बेडिंग मीन्स
पुराने जो बेड्स होते थे, बिस्तर होते थे, उस तख्ते पर, उस वुडन पैलेट पे, वहाँ पर एक ट्रंक रखा हुआ है। ट्रंक मीन्स बॉक्सेस होते थे, आयरन के जो लोहे के बॉक्स होते थे, जिसे हम बक्सा कहते हैं, वो रखा हुआ है, और ओल्ड बेडिंग रखी हुई है। नियरली 6 ईयर अगो बिफोर लिविंग फॉर लंदन आई हैड वॉच हर डाई ऑन दैट बेड। और 6 ईयर्स पहले, लंदन जाने से पहले, उन्होंने, नरेटर ने उन्हें मरते हुए देखा था। हैड फाउंड हर प्लेइंग विथ हर एक्सक्रीमेंट इन हर फाइनल डेज। और उन्हें ही हैड प्लेड ऑल द एक्सक्रीमेंट। एक्सक्रीमेंट मीन्स जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, जो वेस्ट होता है, वो उनके बाउस में लिया था। मतलब जो उनकी मदर थी, वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहती थी, वो बेड पे ही रहती थी, तो सारी एक्टिविटीज़ वो बेड पर ही करती थी। बिफोर वी क्रीमेंटेड हर आई हैड क्लीन ईच ऑफ हर फिंगर नेल्स विद अ हेयर पिन, एंड देन बिकॉज माई ब्रदर कुड नॉट बियर इट, आई हैड अज्यूम द रोल ऑफ एल्डेस्ट सन एंड हैड टच द फ्लेम टू हर टेम्पल टू रिलीज हर टॉर्मेंटेड सोल टू हेवन। और वो कह रहे हैं कि जब उन्हें क्रीमेंटेड करने, मतलब उनका जो दाह संस्कार है वो करने से पहले, क्रीमेंट करने से पहले, उन्होंने, जो नरेटर है, उन्होंने उनकी फिंगर नेल्स को हेयर पिन से क्लीन किया, क्योंकि मेरे जो एल्डर ब्रदर थे वो ये नहीं कर पा रहे थे, वो सहन नहीं कर पा रहे थे, तो उन्होंने एल्डेस्ट सन का रोल प्ले किया। और जो उनकी फ्लेम थी, उनको टच किया, उनका जो भी पूरा क्रेमिनेशन सेरेमनी है, उसका जो नरेटर है उन्होंने ही कंप्लीट किया, और उनकी जो सोल थी, टॉर्मेंटेड सोल थी, उन्हें हेवन की ओर डिपार्ट किया उन्हें क्रेमेंटेड करके। जो दाह संस्कार की, क्रेमेंटेड की सारी एक्टिविटीज़ नरेटर ने की थी, इवन दो ही वॉज द यंगर सन ऑफ द लेडी, क्योंकि उनके जो बिग ब्रदर थे वो इसे कर नहीं पा रहे थे। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई मूव्ड इन टू द रूम इन मिसिस क्रॉफ्ट हाउस। और नेक्स्ट मॉर्निंग जो नरेटर है, अब मिसिस क्रॉफ्ट के हाउस में रहने चले गए थे। व्हेन आई अनलॉक द डोर आई सो दैट शी वॉज सिटिंग ऑन द पियानो बेंच ऑन द सेम साइड एज द प्रीवियस इवनिंग। और जैसे ही वो वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने डोर अनलॉक किया, उन्होंने देखा मिसिस क्रॉफ्ट आज भी उसी पियानो बेंच पे बैठी थी, जैसे कि प्रीवियस इवनिंग को नरेटर ने देखा था। शी वोर द सेम ब्लैक स्कर्ट्स, द सेम स्टार्च वाइट ब्लाउज, एंड हैड हर हैंड्स फोल्डेड टुगेदर द सेम वे इन हर लैप। उन्होंने सेम वही ब्लैक स्कर्ट पहनी थी, सेम वाइट ब्लाउज पहना था, और सेम उसी तरीके से अपने जो हैंड से उसको फोल्ड करके अपने लैप में रखा हुआ था। शी लुक्ड सो मच द सेम दैट आई वंडर्ड इफ शी वुड हैव स्पेंड द होल नाइट ऑन द बेंच। वो सेम वैसी ही लग रही थी जैसे प्रीवियस इवनिंग को लग रही थी, तो ऑथर ये सोचने लगे कि क्या वो लेडी ने पूरी जो नाइट है वहीं पे स्पेंड करी है। आई पुट माई सूट केस अपस्टेयर्स, फिल्ड माई फ्लास्क विद बॉइलिंग वाटर इन द किचन एंड हेडेड ऑफ टू वर्क। और उन्होंने जो नरेटर है, उन्होंने अपना सूट केस अपस्टेयर अपने रूम में रखा, अपना जो फ्लास्क था, जो बॉटल थी उनकी, उसके बॉइलिंग वाटर से भरा किचन से, और अपने वर्क को चले गए। दैट इवनिंग व्हेन आई केम होम फ्रॉम द यूनिवर्सिटी शी वॉज स्टिल हियर। और उस इवनिंग को जब वो दोबारा घर आई यूनिवर्सिटी से, वो लेडी वहीं पर बैठी हुई थी। सिट डाउन बॉय शी स्लेप द स्पेस बिसाइड हर। उन्होंने दोबारा जो नरेटर को कहा कि सिट डाउन, और अगेन हाथ से इंडिकेशन देते हुए, इशारा करते हुए उन्हें बैठने के लिए कहा। आई पर्च्ड बिसाइड हर ऑन द बेंच। पर्च मीन्स रेस्ट ऑन समथिंग, बैठने के लिए, रेस्ट करने के लिए जो थोड़ा बहुत स्पेस होता है उसके लिए बोला गया है, तो वो उस रेस्ट करने के लिए उस बेंच पर बैठ गए। आई हैड अ बैग ऑफ ग्रॉसरीज विथ मी, मोर मिल्क, मोर कॉर्नफ्लेक्स एंड मोर बनानास फॉर माई इंस्पेक्शन ऑफ द किचन। अर्लियर इन द डे हैड रिवील्ड नो स्पेयर पॉट्स, पैंस और कुकिंग यूटेंसिल्स। और जो नरेटर है, उनके पास में ग्रॉसरीज का बैग था, जिसमें कि वह और भी ज़्यादा मिल्क था, कॉर्नफ्लेक्स थे और बनानास थे, क्योंकि प्रीवियस इवनिंग को जब उन्होंने किचन का इंस्पेक्शन किया था, तो वहाँ पर कोई भी स्पेयर पोर्ट्स, मीन्स एक्स्ट्रा पोर्ट्स नहीं थे, एक्स्ट्रा पोर्ट्स नहीं थे वहाँ पर। और इसके अलावा
कोई भी यूटेंसिल्स नहीं थे, पैंस नहीं थे, देर वॉज ओनली टू सॉस पैन इन द रेफ्रिजरेटर. सिर्फ एक टू सॉस पैन थे रेफ्रिजरेटर में, बोथ कंटेनिंग सम ऑरेंज ब्रोथ. और उन दोनों में कुछ ऑरेंज ब्रोथ था. ऑरेंज ब्रोथ मीन्स जो ऑरेंज कलर का पल्प या लिक्विड, थोड़ा सा गाढ़ा सा जो लिक्विड होता है जिसे पिया जा सके या इजीली ईट किया जा सके, वो होता है फ्रूट का पल्प होता है, वो था उन दोनों में. एंड अ कॉपर केटल ऑन द स्टोव, और उस पर कॉपर की केटल थी जो कि स्टोव पे लगी हुई थी. गुड इवनिंग मैडम, शी आज मी इफ आई हैड चेक द लॉक. आई टोल्ड हर आई हैड. और उन्होंने, मिसेस कॉफ्ट ने नरेटर से पूछा कि उन्होंने लॉक चेक किया, और उन्होंने कह दिया यस, उन्होंने लॉक चेक कर लिया है. फॉर अ मोमेंट शी वॉज साइलेंट, कुछ मोमेंट के लिए वो साइलेंट थी. देन सडनली शी डिक्लेयर्ड विद इक्वल मेजर्स ऑफ डिसबिलीव एंड डिलाइट एज द नाइट बिफोर, देयर इज एन अमेरिकन फ्लैग ऑन द मून बॉय. और दोबारा से सडनली उन्होंने डिक्लेयर किया इक्वल डिसबिलीफ और डिलाइट के साथ कि देयर वॉज एन अमेरिकन फ्लैग ऑन द मून, कि अमेरिकन का जो फ्लैग है वो मून पर है. यस मैडम, अ फ्लैग ऑन द मून इजंट दैट स्प्लेंडेड. अ फ्लैग ऑन द मून, क्या ये अच्छी बात नहीं है, स्प्लेंडेड बात नहीं है. आई नोडेड, और उन्होंने, नरेटर ने सिर हिला दिया. ड्रेडिंग, ड्रेडिंग मीन्स एंटिसिपेटिंग विद ग्रेट फियर, मतलब एक डर सा उनके मन में था. वॉट आई न्यू वॉज कमिंग, कि नया क्या आने वाला था. यस मैडम, से स्प्लेंडेड. और फिर से मैडम ने कहा कि कहो, से स्प्लेंडेड. दिस टाइम आई पोज लुकिंग टू अदर साइड इन केस एनी वन वेयर देयर टू ओवर हियर मी. और इस टाइम थोड़ा सा मैं रुका, इधर उधर देखा कि कोई और तो नहीं है जो मुझे सुन रहा है. दो आई न्यू परफेक्टली वेल दैट द हाउस वॉज एम्प्टी. दो इवन दो जो नरेटर जानते थे कि वो हाउस खाली है, एम्प्टी है, इवन दो उन्होंने इधर उधर देखा कि कोई उन्हें सुन तो रहा नहीं है. आई फेल्ट लाइक एन इडियट, वो इडियट के जैसे फील कर रहे थे. बट इट वॉज द स्मॉल इनफ थिंग टू आस्क स्प्लेंडेड आई क्राउड. और ये एक स्मॉल सी थिंग थी, और उन्होंने बोला स्प्लेंडेड, जोर से चिल्ला कर बोला स्प्लेंडेड. Within days it became our routine. और उन डेज में ये मेरा रूटीन बन गया था. In the morning when I left for the library, Mrs. Cox was either hidden away in her bedroom or on the other side of the staircase. Or she was sitting on the bench, oblivious to my presence, listening to the news or classical music on the radio. और ये उनका रूटीन ही बन गया था कि वो मॉर्निंग में जब भी लाइब्रेरी के लिए जाते थे नरेटर, मिसेस क्रॉफ्ट या तो अपने बेडरूम में होती थी या स्टेयरकेस के दूसरे साइड में होती थी या वो उस बेंच पर बैठी हुई होती थी. और oblivious to my presence, oblivious means not aware of anything, किसी चीज़ की उन्हें अवेयरनेस नहीं रहती थी कि मैं वहाँ पर हूँ. और न्यूज़ को सुनती रहती थी और क्लासिक म्यूजिक रेडियो पे सुनती थी. बट ईच इवनिंग व्हेन आई रिटर्न द सेम थिंग हैपेंड. शी स्लैप्ड द बेंच, ऑर्डर्ड मी टू सिट डाउन, डिक्लेयर्ड दैट देयर वॉज अ फ्लैग ऑन द मून एंड डिक्लेयर्ड दैट इट वॉज स्प्लेंडेड. और हर इवनिंग को एक ही सेम चीज़ होती थी कि वो मुझे बेंच के पास आके इशारा करके बैठने को बोलती और डिक्लेयर करती कि अमेरिका का फ्लैग मून पर है, और मुझे कहती कि बोलो स्प्लेंडेड. आई सैड इट वॉज स्प्लेंडेड टू, एंड देन वी सैट इन अ साइलेंस. और मैं भी स्प्लेंडेड बोल देता था और हम चुपचाप बैठ जाते थे, एज ऑकवर्ड एज इट वॉज. और नरेटर को ऑकवर्ड फील होता था. And as endless as it felt to me then, the nightly encounter lasted only about 10 minutes. और वो उन्हें awkward feel होता था, और as endless as I felt to me, और बहुत ऐसा लगता था कि कभी ख़त्म नहीं होगा. The nightly encounter lasted only about 10 minutes. और 10 मिनट के बाद जो नाइटली एनकाउंटर में जो मिसेस क्रॉफ्ट थी वो इनएविटेबली शी वुड ड्रिफ्ट ऑफ टू स्लिप. वो 10 मिनट बाद ये वो जब नरेटर और मिसेस क्रॉफ्ट बातें करते थे उसके 10 मिनट्स बाद वो इनएविटेबली वो इनकन्विंसली वो सो जाती थी. हर हेड फॉलिंग एब्रप्टली टूवर्ड्स हर चेस्ट. और उनका नींद आने लगती थी मिसेस क्रॉफ्ट को, और उनका जो हेड था उनके चेस्ट की तरफ गिरने लगता था. लीविंग मी फ्री टू रिटायर टू माई रूम. और
मैं अपने रूम को जाने के लिए फ्री हो जाता था। बाय देन ऑफ कोर्स देयर वाज नो फ्लैग ऑन द मून, और ये ज़रूर था कि उस फ्लैग पे कोई मून नहीं था, उस मून पर कोई फ्लैग नहीं लगाया गया था। द एस्ट्रोनॉट आई हैड रीड इन द पेपर हैड टेकन इट डाउन बिफोर फ्लाइंग बैक टू अर्थ, और मैंने जैसा न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि जो फ्लैग था वो अर्थ में आने से पहले दोबारा हटा दिया गया था, वो वापस से अर्थ पर लाया गया था उस फ्लैग को। बट आई डिड नॉट हैव द हार्ट टू टेल हर, बट जो नरेटर कह रहे हैं कि मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन्हें बता सकूं कि मून पर कोई फ्लैग नहीं है। फ्राइडे मॉर्निंग व्हेन माय फर्स्ट वीक रेंट वाज ड्यू आई वेंट टू द पियानो इन द पार्लर टू प्लेस माय मनी ऑन द लेज, और फर्स्ट मॉर्निंग को जब मेरा फर्स्ट वीक का रेंट ड्यू था, मैं पार्लर में पियानो की प्लेस पे गया और लेज पे मनी रख दी। द पियानो कीज़ वर डल एंड डिसकलर्ड, और जो पियानो की कीज़ थी वो डल हो चुकी थी और डिसकलर्ड हो चुकी थी। व्हेन आई प्रेस्ड वन इट मेड नो साउंड एट ऑल, और मैंने उनमें से एक को बजाया तो उसमें कोई साउंड नहीं था, पियानो कीज़ में कोई साउंड नहीं था। आई हैड पुट $1 बिल इन एन एनवलप एंड रिटर्न मिसेस क्रॉफ्ट्स नेम ऑन द इन फ्रंट ऑफ इट, और मैंने उस पर $8 उस एनवलप में रखे और उस पर लिखा मिसेस क्रॉफ्ट। I was not in the habit of leaving money unmarked and unattended. और नरेटर कह रहे हैं कि मेरी ऐसी हैबिट नहीं थी कि मैं जो मनी है उसको अनमार्क्ड और अनअटेंडेंट छोड़ दूँ। From where I stood, I could see the profile of her tent shaped skull. और जहाँ वो खड़े थे नरेटर पियानो के पास, वहाँ से वो मिसेस क्रॉफ्ट का जो प्रोफाइल, जो कि उनकी टेंट शेप्ड स्कर्ट थी, लॉन्ग जो स्कर्ट थी वो दिख रही थी। शी वॉज सिटिंग ऑन द बेंच लिसनिंग टू द रेडियो, और वो बेंच पर बैठी थी और रेडियो सुन रही थी। इट सीम्ड अननेसेसरी टू मेक हर गेट अप एंड वॉक ऑल द वे टू द पियानो, और नरेटर को लगा कि बहुत ही अननेसेसरी होगा कि वो उठ कर आए और चल कर पियानो के पास आए। I never saw her walking about and assumed from the cane always propped against the round table at her side that she did so with difficulty. और जो नरेटर कह रहे हैं उन्होंने कभी ये देखा नहीं था कि जो लेडी हैं वो वॉकिंग कर रही हैं और उनका जो केन थी, उनकी जो छड़ी थी, वो हमेशा से उनके पास में जो राउंड टेबल के साइड में रखी हुई रहती थी, और वो ऐसा फील होता था कि वो बहुत ही डिफ़िकल्टी के साथ चलती हैं। व्हेन आई अप्रोच द बेंच शी पीयर्ड अप एट मी एंड डिमांडेड, और जैसे ही मैं बेंच के पास गया उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछने लगी। What is your business, the rent madam? तुम्हारा बिजनेस क्या है, किस काम से तुम यहाँ आए हो? तो नरेटर जवाब देते हैं, फॉर द रेंट मैं यहाँ हूँ। ऑन द लेज अबाउट द पियानो कीज, और नरेटर कहते हैं कि ये तुम पियानो कीज की लेज के ऊपर रख। मिसेस जो क्रॉफ्ट हैं वो नरेटर को पियानो कीज लेज पर रखने के लिए, पियानो कीज के ऊपर जो लेज है उस पर वे रेंट रखने के लिए कहती हैं। I have it here. I extended the envelope towards her, but her fingers folded together in her lap did not pass. और जो नरेटर है वो कहते हैं कि मैं इसे यहाँ ले आया हूँ और वो जो एनवलप्स हैं रेंट का उसे मिसेस क्रॉफ्ट की तरफ बढ़ाते हैं, बट जो मिसेस क्रॉफ्ट है उनके फिंगर्स अभी भी फोल्डेड हैं उनकी लैप में। डिड नॉट बज, बज मिस मूव करना, हिलना, वो और वो हिले नहीं। आई बोर्ड स्लाइटली एंड लावर्ड द एनवलप, और मैंने थोड़ा सा नीचे झुका और मैंने एनवलप मिसेस क्रॉफ्ट की लैप में रख दिया। सो दैट आई इट हॉवर्ड जस्ट अबाउ हर हैंड, और उन्होंने हॉवर्ड मिस हाथ के ऊपर, हॉवर्ड जस्ट हाथ के ऊपर उसे रख दिया। After a moment, she accepted and nodded her head. और कुछ moments के बाद उन्होंने वो rent का जो envelope था वो accept कर लिया और अपना सिर हिलाया। That night when I came home, she did not sleep the bench, but out of habit, I sat beside her as usual.
और उस रात को जब मैं आया तो उन्होंने जो उनकी हैबिट थी बेंच पे स्लैप करने की, कि बेंच पे इशारा करके बैठने की, वो उन्होंने नहीं किया, बट मैं अपनी आदत के अकॉर्डिंग उनके साइड में बैठ गया। शी आस्क्ड मी इफ़ आई हैड चेक द लॉक, बट शी मैंशन नथिंग अबाउट द फ्लैग ऑन द मून। और उन्होंने मुझे लॉक को चेक करने के बारे में पूछा, बट उन्होंने जो फ्लैग ऑन द मून है उसके बारे में कोई भी बात मैंशन नहीं करी। इंस्टेड शी सैड आई वॉज वेरी इट वॉज़ वेरी काइंड ऑफ यू, आई बेग योर पार्डन मैडम, वेरी काइंड ऑफ यू। तो वो ये पूछने की जगह कि मून पे फ्लैग, अमेरिका का फ्लैग है, इसकी बजाय उन्होंने कहा कि इट वॉज़ वेरी काइंड ऑफ द नरेटर, कि ये नरेटर बहुत ही ज़्यादा काइंड है। तो जो नरेटर है वो समझ नहीं पाते और वो कहते हैं आई बेग योर पार्डन मैडम, वेरी काइंड ऑफ यू। अगेन मिसेस क्रॉफ्ट जो होती है वो रिप्लाई करती है कि वेरी काइंड ऑफ यू। शी वॉज़ स्टिल होल्डिंग द एनवलप इन हर हैंड्स, और वो दोबारा हैंड्स में अपना एनवलप होल्ड कर लेती हैं। ऑन संडे देर वॉज अ नॉक ऑन माई डोर, और संडे को मिसेस क्रॉफ्ट के घर पे डोर पे नॉक हुआ। एन एल्डरली वुमेन इंट्रोड्यूस हर सेल्फ, और एक एजेड सी लेडी वहाँ पर आती हुई अपने आप को इंट्रोड्यूस करती हैं, दैट शी वॉज मिसेस क्रॉफ्ट डॉटर हेलन, कि वो मिसेस क्रॉफ्ट की जो डॉटर हेलन है। शी वॉकड इन टू द रूम एंड लुकड एट द ईच ऑफ वॉल्स एज इफ फॉर साइन ऑफ चेंज, ग्लांसिंग एट द स्कर्ट्स दैट हंग इन द क्लोजेट, द नेक टाइज रैप्ड ओवर द डोर नॉब, द बॉक्स ऑफ कॉर्नफ्लेक्स ऑन द चेस्ट ऑफ ड्रॉवर। और वो सब चीज़ों का इंस्पेक्शन करती है, वो रूम में जाती है, वो हर जो वॉल्स हैं उसको देखती है कि वहाँ पे कोई चेंजेस हैं, कोई साइन चेंजेस के साइन हैं, स्कर्ट्स जो शर्ट्स हैं उसकी ओर देखती हैं जो कि क्लोजेट में हैंग किए हुए हैं, जो नेक टाइज हैं, नेक टाइज जो होती हैं जो गले में बांधने की जो क्लोथ होता है उसे देखती हैं, वो डोर नोब पे लगे हुए हैं, और द बॉक्स ऑफ कॉर्नफ्लेक्स ऑन द चेस्ट ऑफ ड्रावर, और जो कॉर्नफ्लेक्स के जो बॉक्सेस हैं वो ड्रॉवर में रखे गए हैं। द डर्टी बाउल एंड स्पून इन द स्पून इन द बेसिन, और जो डर्टी बाउल्स हैं और स्पून हैं वो बेसिन में रखे हुए हैं। शी वॉज शॉर्ट एंड थिक वेस्टेड विथ क्रोप्ड सिल्वर हेयर एंड ब्राइट पिंक लिपस्टिक, वो बहुत ही शॉर्ट थी और थिक वेस्टेड थी, मतलब थोड़ी सी हेल्दी वो थी, और वो उनके जो हेयर थे वो सिल्वर से सिल्वर कलर के थे, मीन्स वेरी शॉर्ट कट में थे, क्रॉप्ड मीन्स शॉर्ट कट में थे, थोड़े से शॉर्ट थे लेकिन सिल्वर कलर में थे, और ब्राइट पिंक उन्होंने लिपस्टिक लगा रखी थी। शी वोर अ स्लीवलेस समर ड्रेस, और उन्होंने स्लीवलेस समर ड्रेस पहन रखी थी, अ रो ऑफ वाइट प्लास्टिक बीट्स, उस पर एक वाइट प्लास्टिक बीट्स पहन रखी थी, एंड स्पेक्टेकल्स ऑन अ चेन दैट हंग लाइक अ स्विंग अगेंस्ट हर चेन, और एक स्पेक्टेकल्स थे जो कि चेन में बंधा हुआ था जो कि उनकी चेस्ट पे झूल रहा था, झूले की तरह लटक रहा था। द बैक ऑफ हर लेग्स वर मैप्ड विथ डार्क ब्लू वेन्स, और उनके जो लेग्स के बैक थे वो पूरी तरह से मैप्ड, बहुत ही डिटेल में, मैप्ड मीन्स बहुत ही डिटेल में या बहुत ही बारीकी से वो दिख रहे थे कि उन जो लेग्स हैं उसमें डार्क ब्लू वेन्स हैं, और उनकी जो हर अपर आर्म सैग्ड लाइक द फ्लैश ऑफ अ रोस्टेड एग प्लांट, और जो उनकी आर्म्स थी वो ऐसी लग रही थी जैसे कि फ्लैश ऑफ अ रोस्टेड एग प्लांट। एग प्लांट इज़ अ ब्रिंजल, जो ब्रिंजल होता है, जो बैंगन होता है उसे एग प्लांट भी कहते हैं। तो उनके जो आर्म्स थे वो एग प्लांट जैसे रोस्टेड एग प्लांट्स होते हैं उसकी तरह लग रहे थे। शी टोल्ड मी शी लिव्ड इन एर्लिंगटन, अ टाउन फादर ऑफ मैसचर्स एवेन्यू, वो उन्होंने मुझे कहा कि वो एर्लिंगटन में रहती हैं, यहाँ से कुछ दूरी पर जो मैसचर्स एवेन्यू है उससे कुछ दूरी पर वो रहती हैं। आई केम वंस अ वीक टू ब्रिंग मदर्स ग्रोसरीज, में वीक में एक बार आती हूँ, मैं अपनी मदर की ग्रोसरीज को लेकर वीक में एक बार यहाँ आती हूँ। हैज शी सेंट यू पैकिंग येट, है क्या उन्होंने आपको पैकिंग के लिए, नाउ व्हाट इज़ देयर, क्या आप ठीक हैं,
हैं, इट इज़ वेरी वेल मैडम, क्या सब कुछ ठीक है, वो पूछती हैं और जो नरेटर है वो कहते हैं यस इट इज़ वेरी गुड। सम ऑफ द बॉयज रन स्क्रीमिंग बट आई थिंक शी लाइक्स यू, वो कहती हैं कि हमेशा इससे पहले जो बॉयज आए थे तो वो स्क्रीमिंग शाउटेड करते रहते थे, बट जो हेलन है मिसेस क्रॉफ्ट की डॉटर वो कहती हैं कि मिसेस क्रॉफ्ट तुमको लाइक करती हैं। यू आर द फर्स्ट बॉर्डर शी हैज़ एवर रेफर्ड टू एज अ जेंटलमैन, आप पहले ऐसे बॉर्डर हैं जिन्हें उन्होंने मिसेस क्रॉफ्ट में जेंटलमैन रेफ़र किया है, कि जो नरेटर हैं वो बहुत ही अच्छे बॉर्डर के रूप में मिसेस क्रॉफ्ट को लगे, नॉट एट ऑल मैडम, और जो नरेटर हैं थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहते हैं नॉट एट ऑल। शी लुक्ड एट मी नोटिसिंग मी बेयर फीट, आई स्टिल फेल्ट स्ट्रेंज वेयरिंग शूज इन डोर्स एंड ऑलवेज रिमूव देम बिफोर एंटरिंग माई रूम, और वो मुझे देखती हैं और मैं बेयर फीट होता हूँ, मतलब मैंने शूज़ या स्लीपर्स कुछ भी नहीं पहने होते हैं, और ये ऑथर की ये नरेटर की हैबिट होती है कि जब भी इनडोर रूम्स में होते हैं वो हमेशा अपने जो शूज़ या स्लीपर्स हैं वो रूम के बाहर उतार कर आते हैं। आर यू न्यू टू बॉस्टन, और वो जो हेलन है वो पूछती हैं कि यार तुम बॉस्टन के लिए न्यू हो, न्यू टू अमेरिका मैडम, तो वो कहते हैं कि मैं अमेरिका के लिए भी न्यू हूँ। फ्रॉम शी रेज्ड हर आईब्रोज, और वो पूछती हैं कि कहाँ से हो तुम, तो नरेटर टेल्स दैट आई एम फ्रॉम कलकत्ता इंडिया, इज दैट राइट, वी हैड अ ब्राज़ीलियन फेलो अबाउट अ ईयर अगो, यू विल फाइंड कैम्ब्रिज अ वेरी इंटरनेशनल सिटी, इज इट थ्रू दैट यू आर फ्रॉम कलकत्ता इंडिया, इससे पहले जो रहता था वो एक ब्राज़ीलियन फेलो था, एक साल पहले यहाँ पे जो रहता था व्यक्ति वो ब्राज़ीलियन फेलो था, और वो हेलन जो कहती है कि आप जो कैम्ब्रिज जो सिटी है वो बहुत ही इंटरनेशनल सिटी है, आपको अच्छी लगेगी। आई नोडेड एंड बिगन टू वंडर हाउ लॉन्ग आर कन्वर्सेशन वॉज लास्ट, और मैं सिर हिला रहा था, मैं नोट कर रहा था और वो थोड़ा वंडर हो रहे थे कि उनकी जो कन्वर्सेशन है कितनी देर चलेगी। बट एट दैट मोमेंट वी हर्ड मिसेस क्रॉफ्ट्स इलेक्ट्रीफाइंग वॉइस राइजिंग अप द स्टेयर्स, और उसी मोमेंट में उन्होंने सुना कि मिसेस क्रॉफ्ट है जो उनकी बहुत ही तेज शार्प वॉइस में चिल्ला रही थी जो कि ऊपर तक आई। When we stepped into the hallway, we heard her hollering. और जैसे ही हम हॉलवे में स्टेप्ड हुए हमने उनकी सडन जो वॉइस है हॉलरिंग थी कि शाउटिंग है वो सुनी। You are to come downstairs immediately. और वो ऑर्डर देती कि तुम्हें अभी ही जल्दी से downstairs नीचे आना होगा। What is it? Helen hollered back. और हेलन वापस से शाउट करके पूछती कि क्या है, और मिसेस क्रॉफ्ट कहती immediately come down. I put on my shoes at once, Helen said. और मैं फिर से अपने शूज़ पहन लेता हूँ और हेलन भी थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करती। We walked down the staircase. It was too narrow for us to descend side by side. और हम staircase से नीचे उतरते हैं और वो जो staircase होती है वो थोड़ी सी सकड़ी होती है कि दो लोग एक साथ उतर सकें। तो जो narrator है वो Helen को follow करते हैं। So I followed Helen, who seemed to be in no hurry and complained at one point that she had a back knee. और मैं हेलन को फॉलो करता हूँ और जो कि बिल्कुल भी जल्दी में नीचे नहीं उतर रही थी वो ये कंप्लेन करती है कि उन्हें जो है बैड नी की प्रॉब्लम है, कि जो उनकी नी की प्रॉब्लम है इस वजह से वो जल्दी नीचे नहीं उतर सकती। हैव यू बीन वॉकिंग विदाउट योर केन, क्या जो है हेलन कॉल्ड आउट, हेलन चिल्ला के पूछती हैं, कहती हैं कि क्या आप आपकी कैन के बिना वॉक कर रहे थे, यू नो यू आर नॉट सपोज टू वॉक विदाउट दैट कैन, और वो कहती है कि आप जानती हैं कि आप उस कैन के बिना वॉक नहीं कर सकती। शी पोज रेस्टिंग हर हैंड ऑन द बैनिस्टर एंड लुक्ड बैक एट मी, और वो थोड़ा रुकती हैं, अपने हैंड को बैनिस्टर पर रेस्ट करने के लिए रखती हैं। बैनिस्टर इज़ अ साइड ऑफ स्टेयरकेस, जो स्टेयरकेस की जो साइड होती है उसे बैनिस्टर कहते हैं, उस पर रखती हैं और उनकी तरफ देखती हैं। शी स्लिप्स समटाइम्स, वो कहती हैं कि वो कभी कभी स्लिप हो जाती हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम मिसेस स्कॉट सीम्ड वुलनरेबल, वो पहली बार ऐसे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा दया वुलनरेबल मिस जो पिटेबल कंडीशन होती है उसके लिए कहा गया है। आई पिक्चर्ड हर ऑन द फ्लोर इन फ्रंट ऑफ द बेंच, और
वो उन्हें इशारा करती है कि वो बेंच पर बैठ जाए. फ्लैट ऑन हर बैक स्टेयरिंग एट द सीलिंग हर फीट पॉइंटिंग इन अपोजिट डायरेक्शन. और जो वो सीलिंग की तरफ स्टेयर करती हैं उनके जो फीट होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं. बट व्हेन वी रीच द बॉटम ऑफ द स्टेयरकेस, क्योंकि नीचे से जो स्टेयरकेस से जब वो आ रहे होते हैं तो वो ये पोजीशन में से जो क्रॉफ्ट होती है उस पोजीशन में होती हैं. और जैसे ही नरेटर और हेलन नीचे स्टेयरकेस के पहुँचते हैं, शी वॉज सिटिंग देयर एज यूजुअल. वो उन्हें एज यूजुअल जो हमेशा की तरह जैसे बैठती हैं पियानो बेंच पर, वैसे ही बैठी हुई दिखती हैं. हर हैंड्स फोल्डेड टुगेदर इन हर लैप, और उसके जो हैंड्स होते हैं वो उनकी लैप में होते हैं. टू ग्रोसरीज बैग वर एट हर फीट, और जो टू ग्रोसरीज के बैग होते हैं वो उनकी फीट के पास होते हैं. व्हेन वी स्टूड बिफोर हर शी डिड नॉट स्लैप द बेंच, और जब हम उनके साइड में आके खड़े हो जाते हैं, उनके सामने खड़े हो जाते हैं, तो वो बेंच की ओर इशारा करके बैठने को नहीं बोलती. और शी आस्क अस टू सिट डाउन, और वो हमें बैठने के लिए भी नहीं कहती. शी क्लियर्ड, वो कहती हैं, वॉट इज़ इट मदर, क्या है? इट इज़ इम्प्रॉपर. व्हाट्स इम्प्रॉपर, ये सही नहीं है, ये इम्प्रॉपर है. तो एलन पूछती है कि क्या है इम्प्रॉपर. इट इज़ इम्प्रॉपर फॉर अ लेडी एंड जेंटलमैन हु आर नॉट मैरिड टू वन अनदर टू होल्ड अ प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट अ चैपर वन. और वो कहती है कि ये बहुत ही गलत है कि एक लेडी और जेंटलमैन जो कि मैरिड नहीं है एक दूसरे से, एक दूसरे को के साथ बहुत देर तक प्राइवेट कन्वर्सेशन करे इन अ चैपर, बिना किसी चैपर में, बिना किसी अटेंडेंट के. मीन्स उनके पास में कोई नहीं है, कोई अटेंडेंट नहीं है, उनके साथ में कोई नहीं है, और एक और लेडी और एक जेंटलमैन जो मैरिड है वो साथ में बातें करें. हेलन सेड शी वॉज 68 ईयर्स ओल्ड, ओल्ड इनफ टू बी माई ब्रदर, बट मिसेस क्रॉफ्ट इंसिस्टेड दैट हेलन एंड आई स्पीक टू ईच अदर डाउनस्टेयर इन द पार्लर. और हेलन कहती हैं वो 68 ईयर्स ओल्ड की हैं और जो नरेटर की मदर के जैसे लगती हैं, बट मिसेस क्रॉफ्ट कहती हैं कि वो हेलन और नरेटर जो हैं वो डाउनस्टेयर पार्लर में बात कर सकते हैं. She added that it was also improper for a lady of Helen's station to reveal her age. और वो ये भी कहती है कि एक लेडी के लिए इम्प्रॉपर होता है कि वो अपनी एज को रिवील करें. एंड टू वियर अ ड्रेस सो हाई अबाव द एंकल, और एक ऐसी ड्रेस पहने जो कि बहुत ही एंकल से अबाव है. फॉर योर इन्फॉर्मेशन मदर, इट्स 1969. What would you do if you actually left the house one day and saw a girl in a miniskirt? और जो हेलन है वो अपनी मदर से कहती हैं कि आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये 1969 है, और अगर आप किसी दिन घर से बाहर निकलेंगी तो देखेंगी कि यहाँ जो गर्ल्स हैं वो मिनीस्कर्ट में होती हैं. मिसेस क्रॉफ्ट स्निप्ड, आई वुड हैव हर अरेस्टेड. और मिसेस जो क्रॉफ्ट होती हैं वो कहती है कि अगर मैं ऐसा देखूँगी और तो स्निफ करते हुए कहती कि मैं उन्हें अरेस्ट करवा दूंगी. इसके आगे का यहीं अपनी स्टोरी स्टॉप करते हैं, और आगे का जो स्टोरी है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे.